नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं हिमांशु। रुक करते हैं आज की ताजा खबर की। राजसमंद के रेलमंगरा कस्बे में अनियमित जलापूर्ति और गंदे पानी के सप्लाई की शिकायत देने गए रेगर मोहल्ला वासियों से मारपीट और बस रुकी करने का मामला सामने आया है। जबकि पानी मूलभूत आवश्यकता में है, जबकि गंदे पानी की सप्लाई सुधारने को लेकर स्थानीय विधायक सहित मीडिया में कई शिकायतें हो चुकी है। लेकिन अव्यवस्था को सुधारने के बजाय जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने अपनी खींच स्थानीय लोगों पर उतार दी। उन्होंने दिनेश रेगर को जलदाय विभाग के कर्मचारी बंसीलाल खटीक ने तमाचा जड़ दिया। इस मौके पर विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद नहीं थे। जलदाय विभाग के इस रवैये से नाराज कॉलोनी वासियों ने पुलिस थाने में आरोपी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत देने का मन बना लिया है। हम यहाँ पानी की समस्या लेकर आए वाटर वर्क्स में। तो क्या हुआ? वाटर वर्क्स में हम पानी की समस्या लेकर आए। देव किशन जी रेगर थे, उन्होंने साहब से बात की फोन पे साहब से बात की तो हम संतुष्ट हो गए। साहब ने बोला था एक एप्लीकेशन लिख दो। एप्लीकेशन हम बैठे एप्लीकेशन लिख रहे थे वाटर वर्क्स की बाउंड्री के अंदर ही लिख रहे। उससे लिखते बंसीलाल खटीक आया, ये कर्मचारी यहाँ का, जिसने बोला कि सरकार के पास पैसा नहीं है, कुएं में पानी नहीं है, तुमको पानी कहाँ से दे। तो हमने इसको कहा भी सबके पानी आ रहा, जितना हमको ही पानी चाहिए, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। जिसने बाउंड्री के बाहर निकलता है तुम्हारा हो जो कर लेना, फिर पानी नहीं आएगा तुम्हारे। बाउंड्री के अंदर घुसते ही हमारे इस दिनेश के एक रिपोर्ट खींच के रख दी पत्थरबाजी।